राजकोट में धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार पहला विरोध सूर उठ्या छे। पहली और बीजी जूने राजकोट रेसकोर्स मैदान में दिव्य दरबार आयोजन कर कार्यक्रम पहला आज विवाद उभो थयो। राजकोट की रामापी चौकड़ी नजीक दिव्य दरबार कार्यक्रम पोस्टर केटलाक अजाण्या शिक्षण पाड़ी दीधा। राजकोट में धीरेन्द्र शास्त्री कार्यक्रम ने लई अठवाडिया पहला पर विवाद थयो हतो, जेमा राजकोट कमर्शियल कोओपरेटिव बैंक सीईओ पुरुषोत्तम पीपड़ियाए धीरेन्द्र शास्त्री ने खुल्लो पड़कार फेंक्यो। राजकोट में ड्रग्स क्यांथी आवे छे ते अंगे धीरेन्द्र शास्त्री सवाल ने लई स्पष्टता करवानी वात करी। ड्रग्स अंगे की जानकारी आपे तो 5 लाख रूपया इनाम आपवानी पण तेमणे जाहेरात करी। बेट द्वारका फेरी बोट सेवा फरी एक बार विवाद में आई। बेट द्वारका पेसेंजर जेटी और फेरी बोट वीडियो सामने आयो। आ वीडियो में स्पष्टपणे जोई शकाय के तमाम बोट मुसाफरो थी खीचोखीच भरेली छे, जे कैपेसिटी होय छे तेना करता पण वधारे पेसेंजरो आ बोट में भराय छे। तो जेटी ना पगथिया पासे पण मोटी संख्या में लोकोने भीड़ जोवा मळे छे। नियम अनुसार पेसेंजर ने लाइफ जेकेट पहेरावाना होय छे, जो के अहीं सुरक्षा माटेना नियमोनुं पण कोई ज पालन नथी। महत्वनुं छे के मोरबी पुल दुर्घटना वखते पण स्थळ पर कैपेसिटी करता वधारे प्रवासी हता, जेना कारणे हुनारत सर्जाय त्यारे आ दृश्य ने जोईने पण सवाल ए थाय के आखरे कोई दुर्घटना सर्जाय तो जवाबदारी कोण। दृश्य आप जोई शको छो, वीडियो नी अंदर स्पष्टपणे देखाई रह्युं छे के कई रीते जे बोट होय छे तेनी पण क्षमता होय छे के जेटला लोकोने बेसाड़ी ने आ किनारे थी पेला किनारे लई जवुं, परंतु जेटीना पगथिया छे त्यां सुधी पण लोको उभा रहेला जोवा मळे छे। न तो लाइफ जेकेट तेओने पहेरावामां आव्या छे अने कैपेसिटी करता वधारे लोको आ बोटनी अंदर बेठा छे। जे वावाझोडा साथे पड़ेला वरसादना कारणे अनेक लोकोए नुकसान वेठवानो वारो आव्यो। घरमां पतरा झाड वीजपोल जमीनदोस्त थई गया। बावड़ा धोड़कामां अनेक लोकोने नुकसान थयुं। बावड़ाना सकुत्रा गामे अनेक घरोना पतरा उड्या, कार पर वीजपोल पड़ता व्यापक नुकसान थयुं। કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે ગઈકાલે સાંજે રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારમાં જોવા મળેલા વરસાદ બાદ વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ છે, જો કે હવામાન વિભાગે આજે સાંજે પણ અમદાવાદમાં વરસાદની આગાહી કરી છે। રાજ્યમાં ગત 24 કલાકમાં 91 તાલુકામાં ઝરમરથી માંડીને કરા સાથે વરસાદ વરસ્યો હતો, જ્યારે 14 તાલુકાઓમાં 1 થી 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। અમદાવાદમાં કરા સાથે 3 ઇંચ વરસાદ વરસતા અનેક વિસ્તારમાં પાણી ભરાઈ ગયા અને વૃક્ષો ધરાશાયી થયા। ગઈકાલે મહેસાણાના કડી બેચરાજીમાં ભારે પવન સાથે 2.5 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો, દાતામાં 2.25 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો। ખેડા ગોબલેજ રોડ પર પ્લાસ્ટિકની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગ લાગી। ફોર્મોસા સિન્થેટિક ફેક્ટરીમાં વિકરાળ આગ લાગતા અફરાતફરી મચી ગઈ હતી। આગ લાગતા ફેક્ટરીમાંથી તમામ કર્મચારીઓ બહાર દોડી આવ્યા હતા। આ દુર્ઘટનાની જાણ થતાં નડિયાદ, ખેડા, બારેજા, અસલાલી, ધોળકા અને અમદાવાદના 8 ફાયર ફાઈટરની ટીમે સ્થળ પર પહોંચીને આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી છે। આગને બુઝાવવાથી 3 થી 4 કલાક જેટલો સમય લાગી શકે છે। શોર્ટ સર્કિટના કારણે આગ લાગી હોવાનું હાલ પ્રાથમિક તારણ છે।